नमस्कार ओम शांति। आप देख रहे हैं 20 न्यूज और आपके साथ मैं हूं शिवांगी। पेश है आज की हेडलाइंस। खुशहाल स्वस्थ और अच्छे परिवार विषय पर महिलाओं के लिए ऑनलाइन सम्मेलन, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के महिला प्रभाग का आयोजन। आर्किटेक्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन विषय पर वेबिनार, फेमस ऑथर एंड लाइफ कोच शिव खेड़ा समेत अन्य विशेषज्ञों ने कहा कि शिक्षा से ही श्रेष्ठ समाज का निर्माण संभव, शिक्षा प्रभाग का प्रयास। मंडला सेवा केंद्र पर 35वीं बटालियन के सैन्य कर्मियों के लिए तनाव मुक्ति पर कार्यक्रम, जवानों ने सीखे तनाव से बचने के उपाय, राज्यों को जीवन में अपनाने की सलाह। और फ्लोरिडा के मियामी में फॉलोइंग योर ब्लीज द हीरोज जर्नी विषय पर ऑनलाइन परिचर्चा, राजयोग से जीवन को श्रेष्ठ बनाने की अपील। नारी शक्ति यदि जागृत हो जाए तो विश्व की आधी जनसंख्या पर उसका सीधा असर पड़ेगा और एक स्वस्थ तथा खुशहाल समाज की स्थापना होगी। इस बात पर गौर करते हुए ब्रह्मा कुमारी के महिला प्रभाग के द्वारा महिलाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए 2 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसका विषय रहा फाउंडेशन ऑफ हेल्दी हैप्पी एंड जॉय फैमिली। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती, महिला प्रभाग की अध्यक्षा बीके चक्रधारी, छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री अनिला भेड़िया समेत अन्य वक्ताओं ने महिलाओं में सशक्तिकरण लाने के लिए प्रेरणादायी उद्बोधन दिए। परंतु किसी भी प्रकार के सिचुएशन में तनाव तो संसार का आजकल वातावरण है ही, परंतु हम उस तनाव को कैसे डील करती हैं वो अपने ऊपर आधारित है। तो हमें क्या करना होगा, हमें मन के साथ बातें करनी होंगी। परमात्मा निराकार शिव जिनों का चित्र यहाँ दिखाया गया है, ज्योति स्वरूप, उनों के साथ बातें करनी होंगी। खुशहाल परिवार की शुरुआत हम अपने मन को स्वस्थ और सशक्त बनाकर आज ही करें, ठीक है। शुरुआत में, श्रेष्ठ कार्य की शुरुआत में देरी नहीं, अच्छे कार्य को तत्काल तुरंत कर लेना ही श्रेष्ठ। कहते घड़ी बदल जाती है, समय मुहूर्त बदल जाता है, मनोस्थिति बदल जाती है। क्यों नहीं श्रेष्ठ कर्म को आज ही और अभी ही करने का दृढ़ संकल्प कर। इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के माध्यम से स्वयं परमात्मा शिव धरा पर अवतरित होकर आदि सनातन देवी संस्कृति की स्थापना नारी को निमित्त बनाकर कर रहे हैं। परमात्मा की श्रीमत अनुसार कर्म करने से संस्कारों में दिव्यता आने लगती है, जिसके लिए गायन है, नर ऐसी करनी करे जो नारायण होए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी हो। यदि महिलाएं जागृत हो जाए तो भारतीय संस्कृति की सहज ही रक्षा हो जाएगी। इसके साथ ही इस सम्मेलन के दूसरे सत्र में ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल, रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग के निदेशक बीके संतोष और प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके डॉक्टर सविता समेत अन्य प्रतिष्ठित लोगों ने महिलाओं को स्वयं में परिवर्तन लाने के लिए प्रोत्साहित किया। भारत की देवियों ने, भारत की माताओं ने, हम सब जानते हैं कि इस युग को जब जब जरूरत पड़ी है अपनी प्रसन्नता से उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया है। दर्द की पीड़ा में ही खुशियां उपस्थित होती हैं। माँ जितनी पीड़ा बर्दाश्त करती है, प्रेमिका के विरह के आंसू जितने भयंकर यातनाएं देते हैं, उतना ही ईश्वरीय आनंद उन्हें प्राप्त होता है। केवल माँ ही ऐसी है, या प्रेमिका कह सकते हैं, जो भयंकर पीड़ा के अंदर भी आनंद का अनुभव करती हैं। अपने आप को स्वरूप में, स्वधर्म में स्थित करें, ताकि हम स्वयं भी चरित्रवान बने, हम स्वयं भी श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करें, हम स्वयं के
जीवन में भी सुख शांति आनंद का अनुभव करें। वहीं ब्रह्मा कुमारी इसके शिक्षा प्रभाग के द्वारा टीचर्स आर्किटेक्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन विषय पर आयोजित स्पेशल वेबिनार के दूसरे सेशन में फेमस ऑथर एंड लाइफ कोच शिव खेड़ा वॉशिंगटन DC में मेडिटेशन म्यूजियम के निदेशक बेके डॉक्टर जेना ने शिक्षकों से अपने आचरण को बेहतर बनाने और बच्चों को मूल्यों की बेहतरीन शिक्षा देने का आह्वान किया। गुड पीपल इन लाइफ इज गुड इनफ एंड यूजफुलनेस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रिलेशनशिप्स। आई रिपीट वन मोर टाइम, meeting good people in life is good enough, but usefulness is a byproduct of relationship. And I think that will help many of us to recognize that it's okay to be different. But what would you say is one of the main virtues or values that we can put into our lives to keep moving forward, to keep feeling that we're winning in life? Even if it's a roller coaster ride, but we're moving forward, we're learning, we're growing, we're creating something new. What's the main virtue or value? ऐसे ही देश के अनेक स्थानों पर शिक्षक दिवस मनाया गया, जिसमें बात करें राजधानी दिल्ली की तो रोहतास नगर सेवा केंद्र पर विधायक जितेंद्र महाजन, लॉयंस क्लब के डिप्टी चेयरमैन आदर्श गुप्ता, खालसा स्कूल की पूर्व प्राचार्य बीके सुषमा और प्रभारी बीके बलबीर व बीके सविता ने आदर्श शिक्षक की परिभाषा बताई। इसके साथ ही हरियाणा के कादमा में प्रभारी बीके वसुधा ने त्याग तपस्या और धैर्यता से बच्चों को सुसंस्कारित बनाने की बात कही और शिक्षकों को सम्मानित किया। राजस्थान के राजमसंद में शिक्षकों के सम्मान में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें बीके सुनीता ने शिक्षकों को क्षमाशील कर्मशील बनने की बात कही। मध्य प्रदेश में इंदौर के ओम शांति भवन में हाईकोर्ट के जज BD राठी की उपस्थिति में जोन प्रभारी बीके आरती ने अपने विचार रखे तथा उदयनगर में पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक जोशी, बीके प्रवीण, बीके योगेश व स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रंजना ने राज्योग का महत्व बताया। वहीं रीवा में प्रभारी बीके निर्मला ने आध्यात्मिक प्रवचन देते हुए शिक्षकों को सम्मानित किया तथा पूरनपुर में शिक्षा प्रभाग अधिकारी समेत अनेक शिक्षकों को बीके रीमा ने राष्ट्र का निर्माता कहते हुए आदर्श प्रस्तुत करने का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ के टिकरापारा सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके मंजू ने सर्वोच्च शिक्षक परमात्मा से जुड़कर श्रेष्ठ संस्कार बनाने की प्रेरणा दी तो गरियाबंद में प्रभारी बीके बिंदु ने चारित्रिक शिक्षाओं पर भी ध्यान खिंचवाया। आगे रांची में DGM सुभाष चंद्र गर्ग और प्रभारी बीके निर्मला ने सभी को शुभकामनाएं दी तो ओडिशा के भद्रक में ADEO दीपक कुमार समेत अनेक चिकित्सकों का प्रभारी बीके मंजू ने सम्मान किया। गुजरात के गांधीनगर में IAS पंकज कुमार की नियुक्ति गुजरात राज्य के मुख्य सचिव के पद पर होने पर पद ग्रहण के समय सचिवालय में उन्हें शुभेच्छा देने के लिए ब्रह्मा कुमारी की ओर से माउंट आबू से आए संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, गांधीनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश ने मुलाकात की और पुष्प गुच्छ मोमेंटो से अभिनंदन करने के बाद शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर चिलोड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके तारा, ऊर्जा नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रंजन भी मुख्य रूप से मौजूद रहीं और सभी ने उनके प्रति शुभकामना जाहिर किया। तनाव मुक्ति प्रबंधन कार्यक्रम मध्य प्रदेश के मंडला सेवा केंद्र के द्वारा 35वीं बटालियन में पुलिस कर्मियों के लिए विशेष आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने शब्दों के द्वारा बहनों का स्वागत और सत्कार किया तथा मंडला सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता ने सभी को तनाव मुक्त जीवन जीने की विधि से अवगत कराते हुए स्वयं की व परमात्मा की सत्य पहचान दी। क्योंकि जब तक हमारी जो चेतना है, हमारा जो ध्यान है वो सही दिशा में नहीं रहेगा, हमारा जो कार्य है, हमारा जो एक्शन है वो कभी भी सही नहीं हो सकता है। जैसा कि कहा गया है कि एक चैतन्यशील मनुष्य जो है वही एक जागरूक समाज का निर्माण करता है। तो जब आपके पास चेतना होगी तभी जागरूकता आएगी और फिर आप अच्छा कार्य करेंगे। जो करना चाहिए वही करेंगे, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं ही करेंगे, तो टेंशन नहीं होगा। जो करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं और जो नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं,
तो इसलिए फिर टेंशन बढ़ जाता है। तो खास टेंशन का कारण यही होता है नेगेटिविटी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पड़ाव सेवा केंद्र प्रभारी बीके उमलता ने बताया कि जब हमारा मन एकाग्र होता है तब हम किसी भी कार्य को सही ढंग से और सही समय पर कर सकते हैं, जो कि राजयोग से ही संभव है। अंत में कई पुलिस अधिकारियों को बीके बहनों ने ईश्वरी सौगात भेंट की तथा मन को सशक्त और तनाव मुक्त बनाने के लिए राजयोग सीखने का आह्वान किया। आगे ओडिशा के राउरकेला सेवा केंद्र के द्वारा ग्रीन द अर्थ क्लीन द माइंड और मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत अभियान के तहत पौधारोपण और नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन जोरपोंडा स्कूल और गांव में किया गया, जिसके तहत राजयोग शिक्षिका बीके जयश्री, बीके राजीव और बीके स्नेहा समेत अनेक सदस्यों ने निःशुल्क वृक्षों का वितरण कर नशा मुक्ति की विस्तृत जानकारी प्रोजेक्टर शो के माध्यम से दी तथा नशा मुक्त बनने के लिए होम्योपैथी दवाइयों का भी वितरण निःशुल्क किया गया। राजस्थान के भिलवाड़ा में आरके कॉलोनी सेवा केंद्र के द्वारा कारोई गांव के हनुमान मंदिर में तनाव मुक्ति हेतु सकारात्मक विचार विषय पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर माउंट आबू से वरिष्ठ राज्योग प्रशिक्षक बीके भगवान, कारोई गांव के सरपंच भगवती लाल टेलर, भुनास गांव के सरपंच रतनी तिवारी और सेवा केंद्र प्रभारी बीके तारा ने आत्मबल को मजबूत बनाने और तनाव से मुक्ति पाने का संदेश दिया। समय हमें आध्यात्मिकता का सहारा लेने की जरूरत है, क्योंकि टीवी खोलो नेगेटिव आता है, अखबार खोलो नेगेटिव आता है, किसी के पास जाकर के बैठो नेगेटिव बोलेगा। इसीलिए आध्यात्मिकता एक ऐसी है जो हमें सकारात्मक बनने की सिखाती है, जो हुआ अच्छा हुआ। वहीं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर महंत रामजी का सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा समेत अनेक सदस्यों ने तिलक पगड़ी और माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान महंत रामजी ने कहा कि हमारे बहुत पुण्य कर्म होने पर ही हमें सत्संग मिलता है, जिसके बाद बीके आशा ने राजयोग का महत्व बताते हुए राजयोग का अभ्यास कराया। हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर के द्वारा कॉल ऑफ टाइम सेल्फ एम्पावरमेंट विषय पर ऑनलाइन टॉक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर कुवैत से राजयोग शिक्षिका बीके पवित्रा रहीं। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय हम सभी को बाहर के साथ साथ अंदर से भी सशक्त बनने की जरूरत है। सो फर्स्ट थिंग वी आर टॉट इज यू आर द राजा ऑफ योर लाइफ। राजयोग का मेडिटेशन, राजयोग, you are the raja, you are the maharaja, whatever you want to say, you are the master of your life. अब खबर अंतरराष्ट्रीय जगत की। आगे फ्लोरिडा के मियामी सेंटर के द्वारा फॉलोइंग योर ब्लिस द हीरोज जर्नी विषय पर ऑनलाइन इवेंट का आयोजन हुआ, जिसमें बीके शेरिन और राजयोग अभ्यासी क्रेग गार्डन ने विषय को लेकर कन्वर्सेशन किया। So you had been involved with Brahma Kumaris for quite a while up until then, and then it's almost like you had a transformation, and I didn't know any of this story. Very, I had always thought that you were just always a high achiever, hero person, you know. Right. I never really think of myself as a hero, and I don't think of myself a hero now. But at that moment, I felt I had to surmount a few obstacles. But now when I look back, right, I feel, oh, that was so easy, you know. आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।